तो खुदा का ऐसा ना लड़की को भेजते हैं जैसे वो काम आप ले लो वैसे डाउन करके दे दिए कभी भी जाना पड़ सकता है मेरा भी रख लियो जी एक बार आने का कष्ट करें
मैं तो बोली उल्टा उल्टा करके बोल रहा हूं के परिवार से आए हुए सभी करते हैं, धन्यवाद भी करते हैं कि उन्होंने इतने दूर से आकर आने का कष्ट किया और आज जो कुलताज जी का यहाँ से लिविंग का जो एक मौका है उसको काफ़ी यादगार बनाने में मदद करी, तो उन सबका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। और कुलताज जी के विचारों से काफ़ी प्रभावित भी हूँ कि उन्होंने एक ट्रांसफर तो रूटीन में होती रहती है, लेकिन उन्होंने अपने जो 9 साल का समय यहाँ अम्बाला में बिताया है उसको और ज़्यादा यादगार बनाने के लिए और सबको ये मैसेज देने के लिए कि उनका समय यहाँ पे बहुत अच्छा बीता है और परिवार की तरह बीता है, ये मैसेज देने के लिए उन्होंने जो इस तरह से आयोजन किया उसके लिए उनका आभार प्रकट करते हैं। धन्यवाद।2013 में आए थे, उस वक्त हमारा ऑफिस वो कुछ खाने के लिए फुटबॉल चौक पे बोल रहा था, कुछ खाने के लिए 2 साल में हमने पहली बार मुझे मिला खाने के लिए 2 साल। इसकी एक विशेषता है कि इनको कोई भी काम दे दो चाहे किसी भी लेवल का हो अपनी तरफ से हमेशा कोशिश करेंगे कि उसको अंजाम तक पहुँचाए। जबकि इनकी स्थानांतरण हुआ है कोई सेवानिवृत्ति नहीं है, हमें फिर भी इनकी कमी महसूस होगी और दलीप जी जो इनके साथ रहे हैं उनको मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा महसूस होगी। ज्यादातर समय इन्होंने विपिन शर्मा जी के सहायक निरंतर कार्यालय में ही अपनी सेवाएं दी, तो जहाँ तक इनसे जो परंपरा अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते थे कोई भी काम नहीं करते। तो मैं कुलताज जी के आप तो लो जनाब और हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि अगले स्थान संसार के लिए गीता में कहा गया है कि कोई भी घटना या दुर्घटना एक आने वाली घटना या दुर्घटना का परिणाम होता है होती है और आज शाम तक आपको इसका पता भी चल जाएगा कि कुलताज सिंह ने अपनी ट्रांसफर इशार क्यों करवाई और कैसे करवाई। अभी तक ये रहते घर में है, शाम तक आपको ये बात ऑफिशियली क्लियर हो जाएगी
कि ये पहले गए हैं और बाद में ये किसको वहां बुलाएंगे, ये विषय गर्म में है। पर्दे के पीछे की कहानी है अभी सिर्फ मुझे नहीं तो बुद्धिज्म के खिलाफ है, माइक नहीं मिला तो फिर फायदा क्या होगा। कि काम क्रोध लोभ मोह पांच लोग तो आपको छोड़ने पड़ेंगे तभी आप बुद्धिष्ट हो। श्री कमल सिंह जी, आदरणीय श्री राजकुमार बाली जी, निरीक्षक महोदय यमुनानगर, मेरे परम मित्र भाई दोस्त, और मैं गुरु बनाना चाह रहा था इनको, परंतु ये मेरे गुरु, पता नहीं मेरा गुरु का प्रस्ताव स्वीकार किया है या नहीं किया, ये तो भविष्य गर्म है। आदरणीय दिलीप जी, लक्ष्मी साहिबान, हरीश नगराज जी, और हमारे दिव्य सुजय श्री सुरेश कुमार शर्मा जी, अभी हमने तो बना दिया जी, हम तो बढ़ाए आए थे पहले इनके आने के उनके मान लिया। हाँ, आदरणीय मैडम दीपिका जी, मुलाकात हो न जाने कहाँ फिर मुलाकात हो, क्योंकि बीते हुए लम्हों
फूलों की तरह दिल में बसाए हुए रखना। Thank you.